नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम करेंसी का आउटलुक देखेंगे। यूएसडीआरएम की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में करीबन 3.5% की हमने यूएसडीआरएम में तेजी बनते हुए देखी है। पिछले एक महीने में भी 2% की तेजी हमने देखा। इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं रुपए डॉलर के अंदर कंटिन्यू तेजी बनी हुई थी, जिसके चलते हमने यूएसडीआरएम को बाउंस करते हुए देखा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में बड़ी तेजी थी, जो कहीं ना कहीं यूएसडीआरएम को दबाव डाल रहा था, रुपए में मजबूती लाते हुए दिखाई दिया। मार्च तक हमने देखा 7240 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मार्केट कंटिन्यू होल्ड कर रहा था। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉलर की तेजी और रुपए की कमजोरी यूएसडीआरएम को और ऊपर ला सकती है। टेक्निकल काउंट की अगर हम बात करें तो प्राइजेस अब 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50, 20, 10 सभी मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं एक बाइंग का सिग्नल देता है। RSI 56 की तरफ है, जो कहीं ना कहीं ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में नहीं है और मोमेंटम पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि CCI पॉजिटिव जोन में आ चुका है, MACD पॉजिटिव में आ चुका है। ADX 17 है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आने वाले दिनों में वॉलिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे भी हमने 15% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पार्टिसिपेशन मार्केट में स्लोली एंड स्टेडिली धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कुछ फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो कल हमने देखा RBI की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट थी, ये मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं ला पाई, जिसके चलते रुपए को हमने 4 महीने के लो पे जाते हुए देखा। वहीं इंटरनेशनल में भी हमने देखा फेड की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया जा रहा है कि पेंडेमिक कंट्रोल होते जा रहा है, इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है और साथ में जो 2 राहत पैकेज दिए गए हैं ये भी US इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने कोरोना के जो नंबर्स है 1.25 लाख के ऊपर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप रहेगा इंडियन इकोनॉमी पे। और साथ में हमने देखा कि IMF ने नो डाउट कुछ अटकलें लगाई है कि 5.5% से 6% इकोनॉमी की ग्रोथ रहेगी, जो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव भी बता रहा है। तो काफी मिक्स फंडामेंटल है, बट एक तरफ हम देख रहे हैं FIs जो नेट सेलर रही है, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है USDR को ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखा दे सकती है। डॉलर में अप्रिशिएशन कंटिन्यू जारी है, IMF ने भी जो बताया है उसमें बताया कि US के अंदर ग्रोथ अच्छी है क्योंकि नंबर्स अच्छे दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है USDR आगे जाकर हमें एक पॉजिटिव मूव बनाता हुआ दिखा देगा। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने असेंडिंग एंड फॉलिंग वेज पैटर्न बनते हुए देखा और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने 73 के ऊपर आते हुए देखा। और आप देख सकते हैं चार्ट पे कि प्राइसेस अब 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। टेक्निकली लग रहा है जब तक प्राइसेस 73-40-50 के ऊपर मेंटेन है, हम 75-20 से लेकर 75-80 तक के भी लेवल देख पाएंगे। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, साथ में वॉलेटिलिटी जो बढ़ी है वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। एज ऑफ नाउ लो वॉलेटिलिटी है बट आगे जाके और बढ़ सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है जब तक प्राइसेस 72-70 या 73-50 के ऊपर मेंटेन है, हम 75-20 से लेकर 75-80 तक के भी लेवल चार्टिकली देख सकते हैं और प्राइसेस 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं, ये टेक्निकली काफी साउंड और एक पॉजिटिव मूव देता है। अगर हम सीजनलिटी की बात करें तो अप्रैल मंथ में हमेशा तेजी का रुख रहता है और ऑलरेडी अभी तक हमने 1.5% से ज्यादा की तेजी देख चुके हैं। वहीं अगर मई की भी बात करें तो मई में भी सीजनलिटी पॉजिटिव ही दिखा रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अप्रैल और मई मंथ पॉजिटिव रहने वाला है USDINR के लिए, इस पे आप ध्यान रख के काम कीजिए। वहीं डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स में अप्रैल महीना ज्यादा करके हम नेगेटिव देखते हैं और ऑलमोस्ट हमने 0.5% की गिरावट अभी तक देख चुके हैं। बट ओवरऑल लग रहा है कि इकोनॉमी में धीरे धीरे पटरी पे आ रही है और जो स्टिमुलस दिया जा रहा है वो डॉलर को भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, 74 के करीब मिले तो डॉलर USDINR लेके चलना है 75-20 से लेकर 75-50 के टारगेट के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपके लिए इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।